अपील करूंगा कि आप एटलीस्ट उस भीड़ को देखकर बात करिए कि क्या ये भीड़ वोटरों की भीड़ है, क्या ये भीड़ भाड़े की भीड़ है, क्या ये भीड़ बुद्धिजीवी लोगों की भीड़ है, और वैसे लोगों को चुनिए जो आपका राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जो आपका वृद्धा पेंशन बनवा सकते हैं, जो आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, दिन से शराबबंदी की घोषणा हुई उस दिन से शराब की कीमत दोगुनी हुई। जितने यूथ डेहरी विधानसभा के जनाधिकार पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार ने बिहार में लगातार हो रहे जहरीली शराब से मौत पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार में सिर्फ नाम का है, घर घर शराब मिल रहा है। क्या कुछ कहा समीर कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। हम मौजूद हैं अभी डेहरी में, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी डेहरी विधानसभा के समीर कुमार। बात करेंगे जो चुनाव है 18 तारीख को वोटिंग होने वाला है उस पर भी बात करेंगे, बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से 18 तारीख को वोटिंग है, चुनावी प्रचार जोरों पर है, जहाँ देखिए तूफान की तरह प्रचार चल रहा है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से जितने भी प्रत्याशी इस बार नगर निकाय के चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना करियर होता है, अपना अपना लाइफ शेड्यूल होता है, हर आदमी जीवन में कुछ करना चाहता है, और मैं इसलिए किसी के करियर पे और किसी के ड्रीम पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपने पूछा कि जो ये चल रहा है प्रचार का कार्यक्रम, बड़े ही जोर शोर से, बड़े ही धुआंधार चल रहा है, तो ऐसे में मैं जो डेहरी नगर परिषद क्षेत्र की सम्मानित जनता है उससे यह अपील करूंगा कि आप एटलीस्ट उस भीड़ को देखकर वाच करिए कि क्या ये भीड़ वोटरों की भीड़ है, क्या ये भीड़ भाड़े की भीड़ है, क्या ये भीड़ बुद्धिजीवी लोगों की भीड़ है, क्या ये भीड़ पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है, क्या ये भीड़ का क्या पैमाना है, आखिर जो जनता है इस भीड़ को देखकर क्या सोच रही है, क्या आखिर इस भीड़ के आधार पर वोटिंग होगी? अगर भीड़ ही पैमाना है इलेक्शन जीतने का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में होनी चाहिए थी, पूरे राज्य में होनी चाहिए थी। मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्यों में तो सरकार नहीं है, देश में तो मान लीजिए है भारतीय जनता पार्टी का, कई सारी पार्टियों को मिला के सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उनकी जो प्रभाव है भीड़ के हिसाब से सभी राज्यों में जिस प्रकार रिजल्ट है सब जगह पर है? तो भीड़ ही पैमाना नहीं है इलेक्शन जीतने का। मैं आग्रह करता हूं डेहरी नगर परिषद क्षेत्र की जनता से कि भीड़ को देखकर, भौकाल को देखकर डिस्टर्ब नहीं हो जाइए, भौकालबाजी वाले लोगों को दरकिनार करने का प्रयास करिए, और वैसे लोगों को चुनिए जो आपका राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जो आपका वृद्धा पेंशन बनवा सकते हैं, जो आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, हर आदमी कहता है कि मैं कर दूंगा, मुझे दे दो। जनता को ये सोचना चाहिए कि जो चुनाव से पहले से ये कह रहा है कि मैं कर दूंगा, देख के तो दे दीजिए हमको, हमको कागज़ दीजिए ना, हम अपना राशन कार्ड बनवा देते हैं, वैसे प्रत्याशी को सबसे पहले वो चुने जो विगत 5 वर्षों से उनके साथ लगा हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए उनका कागज़ लेकर दर दर भटक रहा है, भले काम हुआ चाहे नहीं हुआ, एटलीस्ट उस प्रत्याशी ने प्रयास तो किया। अब अगर जीतता है तो वो इस आधार को जनता का काम करेगा, भैया ये फार्म हम 5 बार से भरवा रहे हैं BDO साहब आपके ऑफिस में, अभी तक नहीं हुआ सर, अब हम वार्ड पार्षद बन गए हैं, अब सर प्लीज इसको कर दीजिए, उसमें BDO की SDO की एग्जीक्यूटिव की मजबूरी होगी, भाई वो पदासीन व्यक्ति हो चुका है, अब उसका काम कर दिया जाए। तो पूरा लाउड स्पीकर के साथ में चुनावी प्रचार में जितने भी जनप्रतिनिधि है वो रोड पे चला रहे हैं, अपना अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पूरा साउंडिंग के साथ में जा रहे हैं। एक तो आचार संहिता विधानसभा का लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं तो बोला ही कि अब तो चुनाव लड़ना प्रोफेशन हो गया है, पैशन हो गया है, भौकालबाजी हो गई है, अपना आडंबर दिखाना रह गया है, अब ये सेवा का मकसद कहाँ रह गया है? ये जितने लोग घूम रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक तो पहले आचार संहिता का घोर उल्लंघन इस चुनाव में लोगों ने किया, पता नहीं किस प्रकार प्रत्याशियों ने उसको देखा है कि नहीं देखा है। मैं तो चूंकि विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, तो मैं आदर्श आचार संहिता का बड़ा सम्मान करता हूं, और मैंने ये पाया कि घोर उल्लंघन आचार संहिता का, अकॉर्डिंग टू द लॉ केवल 16 चक्का घुमाना था। 16 चक्का मतलब या तो आप 8 मोटरसाइकिल घुमा लीजिए या 4 पहिया वाहन 4 घुमा लीजिए, लेकिन एक एक प्रत्याशी 100-100 मोटरसाइकिल घुमवा रहा है, 20-20 गाड़ी घुमवा रहा है। तो 16 चक्का का जो प्रावधान माननीय निर्वाचन आयोग ने बनाया था और माननीय पदाधिकारियों ने इसको उल्लंघन ना करने की शपथ दिलाई थी इलेक्शन के समय सारे प्रत्याशियों को, उस शपथ का क्या हुआ? उस पर किसी ने क्यों नहीं कमेंट किया? आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। घोर उल्लंघन सारे प्रत्याशियों ने, घोर उल्लंघन आचार संहिता का किया है, पता नहीं कैसे किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
कम से कम एटलीस्ट जो बुद्धिजीवी प्रत्याशी है उन्हें तो एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए था। ये नौ क्षेत्रीय ये छुट भैया जो लड़ रहे हैं इसमें तो मेरा कोई कॉमेंट है ही नहीं, लेकिन जो योग्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है जिसको इलेक्शन की समझ है, सूझबूझ है, वो राजनीतिक व्यक्ति है, कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय है, एटलीस्ट उसको तो ख्याल रखना चाहिए था। किन्हीं अगर किन्हीं लोगों ने रखा होगा तो मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, जितना भी अब तक मैंने देखा, घोर उल्लंघन आचार संहिता का लोगों ने किया। अब तो ऑब्वियस ऐसे भी आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, आज शांत हो जाएगा ये जो अनाउंसमेंट है, तो वोटिंग होनी है परसों दिन, लेकिन घोर मतलब इन्होंने उल्लंघन किया आचार संहिता का, ये ड्रामाबाजी और भौकालबाजी का। जिस तरीके से पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है उसके बावजूद भी छपरा में जहरीली शराब पीने से बहुत से लोगों की मौत हो गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि शराबबंदी तो पहले है नहीं, पता नहीं कैसे मीडियाकर्मी और मीडिया के लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी में लोग मर गए। सर शराबबंदी होती तो फिर लोग दारू कैसे पिए? शराबबंदी है कहाँ? कहाँ शराबबंदी है? केवल घोषणा करती है कि शराब बंद है, शराब बंद है, शराब बंद है, कल से शराब नहीं पीना है। केवल घोषणा मात्र कर देने से अगर कोई नियम कानून सफल हो जाए तो मैं उसको मानूं। जिस दिन से शराबबंदी की घोषणा हुई उस दिन से शराब की कीमत दोगुनी हुई। जितने यूथ बेरोजगार थे सब शराब के धंधे में शामिल हो गए। यहाँ पर रहा का बिहार में शराब का धंधा करके यूथ स्कॉर्पियो पे चल रहा है, फॉर्चुनर पे चल रहा है। आप खुद देख लीजिए, सर्वे करा कर देख लीजिए, और उसी में वो गरीब तबका शराब पीकर मर रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजी तौर पे तो नहीं बंद है, धरातल बिल्कुल बिल्कुल कागजी तौर पे है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जिस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं विधानसभा में, मैं देखा माननीय मुख्यमंत्री जी गर्म होकर इन लोगों पर चिल्ला रहे थे, ये उस समय कहाँ थे? आज से दो महीना पहले जब ये सरकार में थे तो इतना आडंबर क्यों नहीं करते थे? इतना क्यों नहीं रोड पर निकलते थे? आज विधानसभा में दिखा रहे जनता को कि मैं बहुत हितैषी हूँ बिहार की जनता का। आखिर कैसे लोग मर गए? कभी किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? शराब वहां तक पहुंचा कैसे? क्या कर रहे थे एसपी, क्या कर रहे थे डीएम, क्या कर रहा था थाना, कोई क्यों नहीं पूछता है? यहाँ दारू पीकर वोट देना है, इलेक्शन चल रहा है पूरे बिहार में, सारा जनता दारू मांग रहा है, मुर्गा मांग रहा है, तो सप्लाई तो होगी शराब की? आप कितना रोक लगा पाए? केवल बालू पकड़ने में दिन भर पुलिस बिजी रहेगी हर जगह की, तो कहां दारू पकड़ाएगा? कहीं ना कहीं जब भी ऐसी घटना होती है तो छोटे अधिकारियों पर सिर्फ कार्रवाई किया जाता है, लेकिन बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। सर ये हमेशा छोटे लोग ही पीछे जाते हैं, बड़े अधिकारियों को मतलब कहाँ है सर? बड़े अधिकारी तो बस एक्चुअली होता क्या है ना, हायरार्की है। मुख्यमंत्री जी कहे होंगे डीजीपी को, डीजीपी महोदय कहे होंगे एसएसपी को, एसएसपी कहे होंगे एसपी को, एसपी कहे होंगे थानों को, थाना कहा होगा सिपाही को। ये सब चैनल बना हुआ है, कोई कितना करेगा सर? पदाधिकारी के पास 36 काम है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, शराब देखना है, बालू देखना है, लूटपाट देखना है, बलात्कार देखना है, अपहरण देखना है, मर्डर देखना है, कितना चीज पदाधिकारी देखेगा? पदाधिकारी को आप चैन से जीने देंगे तब ना? एक तो फालतू नियम ला कर आपने शराबबंदी का ढकोसला किया, शराब आपसे बंद नहीं हुई, घरे घरे शराब बिकने लगा। आप मतलब पदाधिकारी को क्या समझते हैं? रॉबर्ट है, भगवान है पदाधिकारी। पदाधिकारी क्या करेगा सर? पदाधिकारी जितना कर रहा है बिहार में ना उतना कोई नहीं करेगा। एक आईएएस आईपीएस जितनी मेहनत कर रहा है बिहार में, मैं जिस जिले में रहता हूँ जितना एसपी साहब मेहनत करते हैं आशीष भारती जी, उतना कौन कर रहा है? मैं तो देख रहा हूँ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। कितना रोक लगाएंगे? जब तक से बुद्धिजीवी जनता के दिमाग में नहीं घुसेगा ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, इसमें नहीं कूदना चाहिए, तो कितना बैरिकेडिंग करेगा आपके नहर के पुल पे, गांधी सेतु पे कितना बैरिकेडिंग किया जाए? कूदने वाला रोज कूद सकता है? जनता को भी सोचना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल एक पदाधिकारी के बल पे, एक नेता के बल पे, एक सिपाही के बल पे आप कोई चीज़ को लागू नहीं कर सकते, किसी पर रोक नहीं लगा सकते। जनता को आगे आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस का, प्रशासन का, मुख्यमंत्री जी का, तब जाके अभियान सफल होगा। केवल ड्रामा करने से नहीं होगा। महागठबंधन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के ही लोग शराब बिचवा रहे हैं। अरे भाई जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि आप बेचवा रहे हो, अब ये विपक्ष में भी कह रहे हैं कि आप बेचवा रहे हो। एक दूसरे पर छीटा कसी करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से अगर लोगों की जानें बचती हैं तो बचा लीजिए ना। ये जो मरे अभी छपरा में लोग, क्यों नहीं उसकी जान बचा लेते हैं? आप अपने मस्ती में धूम है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद, विधायक बनने के बाद कितने बार गरीब जनता का अवेयरनेस प्रोग्राम किया है विधायक? कहीं का स्थानीय विधायक कितनी बार अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, डेवलप किया है? कितने बार यूथ के लिए लड़ाई लड़ा है? कितना बार विधानसभा के लिए घेरा हुआ है? मुख्यमंत्री जी कितने बार आग बबूला उठे हैं इस बात पे, यूथ को रोजगार मिलना चाहिए। कब आग बबूला उठे हैं? 10 लाख की नौकरी पता नहीं कब से आ रही है, पहले ही कैबिनेट में साइन होना था, पता नहीं उसमें का इंक सूख गया कि पेन टूट गया कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो कैबिनेट की अभी तक बैठक नहीं हुई है,
या तो पेन का इंक खत्म हो गया है या पेन ही नहीं मिल रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को। क्या बोलते हैं जॉब को लेकर लगातार पटना में भी देख रहे हैं युवाओं के द्वारा मार्च निकाला जा रहा है, रैली निकाला जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। कब लाठीचार्ज शिवजी भाई नहीं किया गया यूथ पे? कब हक की मांग करने पे इस बिहार सरकार ने कब लाठियों से नहीं पिटवाया है, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों को? हक मांगने पे ये बिहार लाठियां बरसाता है और रैली में ये बिहार इन लोगों को बुलाकर वोट लेता है झूठे खोखले वादे करके। इन तमाम टीचर्स के साथ कितना अन्याय किया गया आपने नहीं देखा है? इन लोगों ने कहा था कि समान काम समान वेतन देंगे, इन लोगों ने कहा था कि आते के साथ बहुत कुछ कर देंगे। एक पहली कैबिनेट में पहली बैठक में 10 लाख नौकरी का वादा इन लोगों ने किया था, 10,000 नौकरियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, आखिर कहाँ है? मैं बटरिंग नहीं करता हूँ, जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जो चीज़ें खराब हैं वो खराब हैं। महागठबंधन के सरकार में आने के बाद युवाओं को उम्मीद था कि महागठबंधन की सरकार आ गई है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव के समय में ऐलान किए थे कि हम अगर मेरी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देंगे, अब तो महागठबंधन RJD खुद सरकार में है, डिप्टी CM है बिहार के तेजस्वी यादव, उसके बाद भी युवाओं को निराशा ही हाथ लग रहा है। पता नहीं आदरणीय तेजस्वी जी क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मास्टर प्लान है, कौन सा उनका मास्टर स्ट्रोक है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की भी तबीयत नासाज चल रही है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, आदरणीय लालू जी सिंगापुर गए हुए हैं, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बड़ी व्यस्तता रही, यूँ कहें तो पूरा परिवार व्यस्त रहा, पूरा बिहार उनके लिए चिंतित रहा। तो तेजस्वी जी की बैठक लगातार इन दिनों नहीं हो रही विभागवार रिक्तियों के आधार पर, लेकिन मैं उसमें ये कारण को भी नहीं मान सकता, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के ही चुनाव में कई सारे विभागों की रिक्तियाँ उन्होंने नोटिस कर ली थी और उन्होंने ये बताया था कि इन इन विभागों में ये रिक्तियाँ हैं, और उन्होंने बाकायदा अपने विधानसभा विधायक दल की बैठक करके अपने पार्टी कार्यालय में ये कहा था कि अगर विधायकों का वेतन भी काटना पड़े तो मैं उनका वेतन काटूंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा उस पैसे से। जब किसी नेता ने ये पूछा था कि रोजगार दोगे तो वेतन कहाँ से दोगे, तो वेतन कहाँ से दोगे की बात पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मैं अपने विधायकों की अगर वेतन की कटौती करनी पड़े तो मैं करूँगा और विधायकों के वेतन से कटिंग करके मैं यूथ को रोजगार दूंगा उस पैसे को दूंगा। आप ईमानदारी से बताइए मेरे भाई शिवजी, कितने विधायकों का वेतन कटा? अभी मैंने हाल में पेपर में पढ़ा था पूर्व विधायकों का वेतन जो पेंशन था वो बढ़ा है, 1 रुपया वेतन किसी के कटा है किसी विधायक का? इस निमित्त यूथ को रोजगार देना है, फंड कलेक्ट करना है, फंड नहीं है सरकार खजाने में, विधायक का वेतन अगर मान लीजिए 2 लाख रुपये है तो 50,000 रुपये काट दिया जा रहा है? कब सुना आपने? केवल झूठ, केवल खोखले वादे, केवल बेबुनियाद वादे। ये जनता आदरणीय लालू जी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मरमर के वोट दी, लेकिन अपने बेटा को 10,000 का नौकरी कराने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, उसके बेटे लाठी खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, बिहारी के नाम पर लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, ट्रेनें भर भर के मध्य प्रदेश और सूरत जाके लेबर में खटाई हो रही है, ये बिहार की जनता कब समझेगी? हम लोग वोट मांगते मांगते चुनाव में थक गए, दोनों पाँव में छाले पड़े थे पैदल चलते चलते, बिहार की एक जनता ने ना हमारे नेता को सुना, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को, और ना डेहरी की जनता ने मेरी आवाज़ को सुनी। आज 3 साल हो गया, डेहरी में कौन सा कल कारखाना खुल गया, किस चीज की शुरुआत हो गई, पूरा डेहरी बर्बाद हो चुका 3 सालों के भीतर में, इस पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, News9 के माध्यम से, कि जितने भी यूथ इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जितने बड़े बुजुर्ग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप आगे आइए ना सर, डेहरी को बढ़िया बनाते हैं, डेहरी को सुंदर बनाते हैं, डेहरी के लिए कुछ करते हैं, कुछ शुरुआत कराते हैं, तब तक कुछ होगा, तब तक आपके हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। यहाँ बैठने के लिए जो पार्क है उसको मैं बनवा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, बाउंड्री वाले लोगों ने नहीं कराई थी, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, अभी आधा अधूरा बाउंड्री वाले मैंने कंप्लीट कराया, उसका पूरा पार्क झाड़ियों से भरा हुआ है, उसको मैं साफ करवा रहा हूँ, स्कूलों का निरीक्षण मैं कर रहा हूँ, कल मैंने एक स्कूल का इंटरव्यू देखा, वहाँ बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। अरे ये माफिया कब जाएंगे उस स्कूल में, जब सरकार मध्याह्न भोजन के लिए फंड दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, आखिर खाना क्यों नहीं बढ़िया बन रहा है? अगर असुविधा है तो अलग बात है, जब सुविधा है फिर भी आप नहीं देख रहे हो तो किसके लिए चुनाव जीते हो? खाके सुतने के लिए? इससे बढ़िया था नहीं जीतते, नहीं लड़ते, खाके जब सोना ही था दिन भर अपने घर के कमरे में चद्दर तान के ठंडा में बढ़िया बढ़िया धूप सेकते हुए तो सुतते ना, कहे के लड़ गए चुनाव और कहे जीत गए, और जब जीते तो काम करना पड़ेगा, और नहीं तो जनता अब निकलेगी रोड पे, मैं लेकर निकलूंगा, मैं टेहरी की जनता से अपील करके निकलूंगा सड़क पे कि जो जीता है उसको काम करना पड़ेगा, वो वोट लिया है कहकर मैं काम करूंगा, और नहीं करेगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन होगा, उसके लिए प्रदर्शन, उसका पुतला फूका जाएगा,
ये तैयारियां शुरू हो रही है, बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, बता रहा हूँ आपके माध्यम से। तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार को। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से डेहरी विधानसभा में आरजेडी के विधायक जीते हैं उसके बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ है, अगर कोई भी कार्य नहीं होता, विकास के कार्य नहीं होता, तो बहुत जल्द एक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ न्यूज 9 के लिए रोहतास से शिव कुमार ओझा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।